सुरेंदर रेड्डी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिन्होंने 2005 से शुरू करके अभी तक की कई सारे सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं डायरेक्टर सुरेंदर रेड्डी की बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप हो डायरेक्टर सुरेंदर रेड्डी के फैन, तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, अथानुक कादेव। ये 2005 का एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है सुरेंदर रेड्डी ने, और इसमें कल्याण राम और सिंधु तोलानी लीड रोल में है। इसमें राम और एंजेलिका फैमिली को अन्ना नाम के एक लड़के ने मर्डर करते हैं, और बाद में दोनों ने मिलकर कैसे इसका रिवेंज लेने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है। और इसका हिंदी डब्ड है इंटरनेशनल डॉन नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.7 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 10 करोड़। इंडियन कलेक्शन है 40 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 55 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर टू, अशोक। ये 2006 का रोमांटिक एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है सुरेंदर रेड्डी ने, और इसमें जूनियर इंटीरियर समीरा रेड्डी लीड रोल में है। इसमें एक शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का अशोक और एक गैंगस्टर दोनों ने मिलकर एक ही लड़के से प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ अशोक ने कैसे अपने बाप से मिलने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका हिंदी डब्ड है द फाइटर मैन घायल नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.9 आउट ऑफ 10, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर थ्री, अतिथि। ये 2007 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है सुरेंदर रेड्डी ने, और इसमें प्रिंस महेश बाबू और अमृता राव लीड रोल में है। इसमें अतिथि कैसे अमृता के पेरेंट्स का मर्डरर को ढूंढने के लिए कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है, और इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू मिला है, और इसमें महेश बाबू का एक क्यूट सा एक्टर नजर आई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.6 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 22 करोड़, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 30 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। नंबर फोर, किक। ये 2009 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है सुरेंदर रेड्डी ने, और इसमें द मस्त महाराजा रवि तेजा और इलियाना डी क्रूज लीड रोल में है। इसमें कल्याण हर वक्त नए एडवेंचर करने में बिजी रहते हैं, और इसलिए वो कैसे नैना से ब्रेकअप कर लेते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.8 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 20 करोड़, और इसका इंडियन कलेक्शन है 35 करोड़, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 44 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर फाइव, ओसारा वेल्ली। ये 2011 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है सुरेंदर रेड्डी ने, और इसमें जूनियर इंटीरियर और तमन्ना लीड रोल में है। इसमें टॉनी कैसे निहारिका की फैमिली का मर्डरर एक ड्रेडेड गैंगस्टर के अगेंस्ट फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है, और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.6 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 16 करोड़, और इसका इंडियन कलेक्शन है 30 करोड़, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 40 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर सिक्स, रेस गुडम। ये 2014 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है सुरेंदर रेड्डी ने, और इसमें स्टारिश स्टार अल्लू अर्जुन और श्रुति हसन लीड रोल में है। इसमें दोनों भाई डिफरेंट अप्रोच के हैं, जिसमें एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और दूसरा अपनी खुशी में चलते हैं, और दोनों भाई ने कैसे एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट पे फाइटिंग करते हुए इसमें दिखाई गई है। और इसका हिंदी डब्ड है मैं हूं लकी तरेसा नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.2 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 50 करोड़, और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 105 करोड़, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 130 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर सेवन, किक टू। ये 2015 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है सुरेंदर रेड्डी ने, और इसमें रवि तेजा राकुल प्रीत सिंह लीड रोल में है। इसमें एक NRI डॉक्टर रवि ने इंडिया वापस आते हैं एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, पर उस लैंड का वारिश दुर्गा नाम की एक लड़की है, और उसी को मनाने के लिए रॉबिन ने गांव पर जाते हैं, और वह वो कैसे लाइफ का मीनिंग को समझ पाते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.1 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 30 करोड़, और इसका इंडियन कलेक्शन है 38 करोड़, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 43 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर एट, जुवा। ये 2016 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है सुरेंदर रेड्डी ने, और इसमें राम चरण और राकुल प्रीत सिंह लीड रोल में है। इसमें ध्रुवा एक IPS ऑफिसर एक स्ट्रॉन्ग क्राइम के पता चलाता है, और फिर एक विशाल रैकेट के पीछे मास्टरमाइंड को उतारने की कैसे कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है। और इसका हिंदी डब्ड है डबल अटैक 2 नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.2 आउट ऑफ 10, और इसका बजट था 50 करोड़, और इसका इंडियन कलेक्शन है 75 करोड़, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 96 करोड़, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर नाइन, सायरा नरसिम्हा रेड्डी।
ये 2019 का तेलुगु एपिक एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है सुरेंद्र रेड्डी ने और इसमें मेगास्टार चिरंजीवी नयनतारा तमन्ना सुदीप और विजय सेतुपति लीड रोल में है। इसमें आंध्र प्रदेश के उदयाला नरसिम्ह रेड्डी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में वॉर को दिखाई गई है और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियोटिज्म फिल्म माना जाता है और इसका आईएमडी रेटिंग मिला है 7.6 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 240 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन है 240 करोड़ और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 250 करोड़ और ये फिल्म तेलुगु वर्षन में सुपर हिट साबित हुई और अदर वर्षन में फ्लॉप निकला और ओवरऑल वर्षन में ये फिल्म एवरेज निकला। तो दोस्तों ये रहा डायरेक्टर सुरेंद्र रेड्डी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सर के बॉलीवुड और साथ ही न्यूज़ में अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।